हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आप सबकी पसंद का आलू चिजी टिक्की, जो खाने में बहुत ज़्यादा यमी होती है। और आप सुबह की चाय के साथ या शाम की चाय के साथ इसे बना सकते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ गाजर, उबले हुए आलू जिनके छिलके मैंने अच्छे से उतार लिए हैं, एक चम्मच चाट मसाला, दो चम्मच चावल का आटा, दो चम्मच सूजी, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर एक चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चम्मच, यहाँ पर मैंने लिया हुआ भुना हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर, हरी धनिया जिनको हम बारीक कट करेंगे। तो मैंने लिया पर यहाँ पे एक बाउल, और हम अपने आलूओं को करेंगे कद्दूकस। तो हमारे आलू कद्दूकस हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया मोज़रेला चीज, उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आलू को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, चीज़ को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे अपने आलू जिसको मैंने कद्दूकस किया है, अब अपने मसाले और सब्जियां, अब इसमें अपनी सब्जियां और मसाले हम ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ गाजर, सूजी, आप बारीक या मोटी चाहे जो आपके पास हो ले सकते हैं, चावल का आटा, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटी हुई हरी धनिया, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है और अच्छे से सेट भी हो चुकी है। तो हम इसे अच्छे से हाथ की सहायता से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे हम डो तैयार करते हैं अपना, इस तरह से इसे हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे और हम अपनी हथेली पर थोड़ा सा लगाएंगे तेल। इस तरह से हम लगा लेंगे और बड़ा सा हम बॉल जैसा इसे तोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसे बॉल जैसा बनाएंगे। और हम बीच में इसे गहरा सा ऐसे
अंगूठे प्रेस करके ऐसे बना लेंगे। इसमें डालेंगे अपनी चीज़ जिसमें हमने काली मिर्च और नमक डाला हुआ है, खूब सारी चीज़ डालेंगे हम। इसको अच्छे से सेक करेंगे इस तरह से, थोड़ी सी और। अब इसको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा टिक्की का मिक्सचर ऊपर से भी हम डालेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इसे कवर कर देंगे इस तरह से। अब इसे हम बॉल जैसा बना लेंगे। अब इसे हाथ से प्रेस कर देंगे और राउंड में चारों तरफ से हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे बनाएंगे। एक और हम आपको बनाकर दिखाते हैं। इस तरह से हम इसे गोला करेंगे और बीच में हम थोड़ी सी गहराई रखेंगे इस तरह से। इसमें डालेंगे अपनी चीज़। आप चीज़ की जगह पनीर भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसे भी कवर करेंगे। हमने चीज़ इसलिए डाला क्योंकि हमारे बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें चीज़ ऐड किया है। तो इसी तरह से हम इसे घुमाएंगे। तो बॉल हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे हम प्रेस कर देंगे। तो टिक्की हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। कितना कलरफुल लग रहा है फ्रेंड्स। मेरी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो मैंने लिया यहाँ पे ब्रेड क्रम्स। अब इसमें अपनी टिक्कियों को हम करेंगे कोट इस तरह से। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी हमारी टिक्की हो जाएगी। तो हम इसी तरह से अपनी सारी टिक्कियों को कोट कर लेंगे। अगर ये देखने में इतना प्यारा लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो मैंने गैस पे पैन को रख दिया है। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। हम इसे कर रहे हैं स्लो फ्राई। तो तेल भी हमारे गर्म हो चुके हैं। हम अपनी टिक्कियों को एक एक करके पैन में लगा देंगे। तो हम इसे 1-2 मिनट तक स्लो फ्राई करेंगे। इस तरह से हम तेल घुमा देंगे ताकि चारों तरफ तेल हमारा टिक्कियों में पहुंच जाए। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हम इसे 1 चम्मच की सहायता से पलट कर दिखाते हैं आपको। वाह, कितनी टेस्टी हमारी टिक्की लग रही है। एकदम गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम इसे नीचे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और हम अपनी सारी टिक्कियों को पलट देंगे। एक बार आप इसे बनाइए, इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है हमारी आलू चीज़ी टिक्की। तो नीचे की तरफ भी इसे फ्राई कर लेंगे। चम्मच की सहायता से हम इधर उधर इसे पलटते रहेंगे ताकि हमारी टिक्कियाँ चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर सिक जाए। तो इन्हें हम पलट कर दिखाते हैं नीचे की साइड भी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं।
हम सभी को एक एक करके पलट लेंगे। अब हमारी टिक्कियाँ प्लेट में निकलने के लिए तैयार हो गई हैं। तो मैंने लिया यहाँ पर प्लेट और हम निकाल लेंगे अपनी टिक्कियों को एक एक करके। तो फ्रेंड्स, आप अपने किचन में एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो हम इसी तरह से अपनी सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। अभी इन्हें पलट लेते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो तैयार हो गई हमारी टिक्कियां, अब करेंगे हम इनकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आलू चीजी टिक्की। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिए। तो हम आपको तोड़कर दिखाते हैं इसे, देखिए, और खिलाते भी हम आपको। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।